हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सुजात और आप देख रहे हैं एनएसओ मोटो व्लॉग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बेहतरीन सा स्विच बोर्ड जो कि मेरे बाइक के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो स्विच है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसकी जो वर्किंग इन्हें सिर्फ 5-6 महीने तक ही ये ठीक से चल पाता है, इसके बाद ये फेल हो जाता है। तो मैं इसके अलावा एक बेहतरीन सा क्वालिटी वाला आज मैं यहाँ पे मंगा चुका हूँ। तो ये रहा मेरा स्विच जो कि आपको अभी अनरैप करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको हम जल्दी से जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, पहले इसको निकालूंगा उसके बाद में रिकॉर्ड करूँगा। ये जो प्रोडक्ट है ये मैं अमेजोन से मंगाया हूँ मैं, तो ये रहे इनवॉइस प्रोडक्ट के। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये स्विच आया है, पैकिंग है। चलो इसको खोल लेता हूँ मैं। तो इस पैक से तो इसको निकाल चुका हूँ मैं। तो इस तरह का ये जो है स्विच, यहाँ पे आपको दो स्विच मिल जाते हैं। इसका पैकिंग तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा पुराना है, पर इसकी क्वालिटी अभी निकाल कर हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह की पैक क्वालिटी ये देते हैं। तो इसके जो है दो वायर आ जाते हैं स्विच के साथ। ये स्विच रहा हमारा, स्विच की क्वालिटी तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही है, और ये रबर पैकिंग दिया गया है। पता नहीं ये वाटर प्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ से दिख भी रहा है, कुछ पता नहीं पानी से बचेगा या नहीं। और यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी है, और ये पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है ये। इसकी वायर क्वालिटी तो ठीक ठाक है, कुछ इस तरह का यहाँ पे लगेगा। जो पुराना वाला स्विच था उसको यहाँ से हटा चुका हूँ, अभी स्विच को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो गाइस मैं क्लियरली ये बता देना चाह रहा हूँ, आप प्लस को जैसे पॉजिटिव दीजिए, यानी प्लस दीजिए रेड कलर को, और ये येलो कलर जो है स्विच से जो सर्किट पूरा होकर आता है इसको जैसे लाइट को कनेक्शन दीजिए, और ये ब्लैक जो है इसकी लाइट के लिए है जो इसमें लाइट ऑन होती है। अगर ये ब्लैक आप ग्राउंड, इस ब्लैक को ग्राउंड देना चाहिए आपको, ग्राउंड देने पर ये लाइट ऑन होगी, नहीं तो ये अदरवाइज़ ये लाइट ऑन नहीं होगी। तो मैं इसको लगा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी थोड़ी वायरिंग बाकी है, इस पर कर लेने के बाद कंप्लीट वर्क हो जाएगा मेरा। लाइट का कनेक्शन जो है वो पूरे हो चुके हैं, अभी जो बाकी रहेगा इसमें ऑन करने के बाद जो ग्राउंड का वायर मैंने बताया ब्लैक वायर, वो ग्राउंड को देना है। बारिश तेज हो चुकी है तो काम को जो है पोस्टपोन करके अगले दिन इसको मुकम्मल करेंगे। कल रात में जो है मैं फिट कर चुका था, पानी भी पड़ने की वजह से मैं पोस्टपोन हो गया काम। और इसकी जो लाइटिंग का जो ब्लैक वायर मैंने बताया था, तो वो ब्लैक वायर जो है मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, मेरे पास पुरानी वायरिंग थी उसी में ही मैं जो है फिट कर चुका हूँ। अब इसको क्या है, मैं गाड़ी से ग्राउंडिंग दे देने के बाद यहाँ पे ऑन करने के टाइम लाइट आएंगी, ऑफ पे ये लाइट बंद हो जाएंगी, तो इंडिकेशन मिलता है कि अपन की ऑक्सिलरी लाइट ऑन है या ऑफ है। तो चलिए इसको लगा देता हूँ, फिर बाद में आपको एक बार रात में दिखाऊंगा कि ये लाइटिंग कैसी दिखती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये ग्राउंडिंग करता हूँ, ग्राउंडिंग करने के बाद ये लाइट यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये लाइट ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएंगी। अपनी जो लाइट ऑक्सिलरी लाइट है उसको स्विचेस जो है यहाँ पे फिट हो चुके हैं, तो रात में कुछ इस तरह आपको लुक देखने को मिलेगी। जब हम ऑन करेंगे तो स्विच में भी लाइट आ जाएंगी। तो सारे कनेक्शन मैंने जो है बता चुका हूँ, अब फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।